जम्मू कश्मीर में धारा 370 के निरस्तीकरण के पश्चात जब केंद्र सरकार ने संघ राज्य के चहुमुखी विकास की तरफ रुख किया तो यहाँ के युवाओं के भविष्य निर्माण को मद्देनजर रखते हुए कई योजनाएं बनाई जिन्हें मिशन मोड पर अंजाम दिया जा रहा है। राज्य में जिन युवाओं को शिक्षित कर उन्हें रोजगार प्रदान करने की बजाय हथियार थमाने एवं सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी करने को मजबूर किया जाता था, आज वही युवा हाथों में लैपटॉप थामे अपने शैक्षिक संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करते नजर आ रहे हैं। ये बदलाव नहीं चमत्कार है। शिक्षित होगा युवा तभी तो आगे बढ़ेगा युवा। इस मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के शैक्षिक संस्थानों के विकास की तरफ रुख करते हुए यहाँ नए मेडिकल, नर्सिंग एवं इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण में अभूतपूर्व वृद्धि की और मौजूदा कॉलेजों की सीटों में व्यापक वृद्धि भी की गई। जम्मू कश्मीर पूरी तरह से शिक्षित होने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। जिस कश्मीर से पथराव के समाचार आते थे, टेररिज्म के समाचार आते थे, हिंसा के समाचार आते थे, आज वही कश्मीर में वही कश्मीर का युवा, वही जम्मू का युवा विकास की बात कर रहा है, स्किल अपग्रेडेशन की बात कर रहा है, रोजगारी की बात कर रहा है, अपने पढ़ने के लिए जो वजीफा मिला है इसकी बात कर रहा है। शिक्षित युवाओं को मिशन यूथ एवं स्वरोजगार योजना के तहत जीरो मार्जिन मनी पर छोटे कमर्शियल व्हीकल इत्यादि दिलाए जा रहे हैं ताकि उनका रोजगार सुनिश्चित हो। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आज कश्मीर में महिला उद्यमियों के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मंच प्रदान कर ग्लोबल मार्केट से जोड़ा जा रहा है और नए यूथ क्लब खोलकर युवाओं को आत्म खोज और आत्म विकास में सक्षम बनाया जा रहा है। यहाँ के युवा समझ चुके हैं कि आतंकवादी गतिविधियों एवं पत्थरबाजी से उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। उनका ध्यान अब अपनी शिक्षा एवं अपने भविष्य निर्माण पर है। हम ना हुर्रियत से चर्चा करेंगे, ना जमियत से करेंगे, ना पाकिस्तान से चर्चा। मान्यवर, अगर हम चर्चा करेंगे तो घाटी के युवाओं से चर्चा करेंगे, वो हमारे अपने हैं। जम्मू कश्मीर में कितना बदलाव हुआ है वो यहाँ के युवाओं और यहाँ के लोगों की मुस्कुराहट से परिलक्षित होता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में गृह मंत्री श्री अमित शाह की रणनीति वाकई अपना असर दिखला रही है।